हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिक हेड टेक क्लासेस। दोस्तों, राजस्थान बिजली विभाग में एक इम्पोर्टेंट अपडेट हुई है एक जेई की वैकेंसी के लिए। तो इसमें क्या जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है, वो क्या नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, और एक ही एप्लीकेशन होगा सभी पोस्ट के लिए। अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होंगे, एक ही एप्लीकेशन पोस्ट होगा, उससे फिल किया जाएगा। दोस्तों, ये जो रिक्वेस्ट थी ये थी कैंडिडेट की रिक्वेस्ट थी। तो राजस्थान जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी से रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पीके टेक क्लासेस को, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, हमें जहाँ से जानकारी मिली है वो ये कटिंग है एक न्यूज़पेपर की, उसमें आया है। ये जो कटिंग है शायद आपने भी देखी होगी, यदि नहीं देखी है तो अभी आपको देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, जो चेंजेस हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं देखिए। तो वन एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट, तो जेई ए के लिए जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी डिस्कॉम पोस्ट हैं, वो सब क्या है, उनके लिए एक ही एप्लीकेशन होगा, भले ही वो राजस्थान राज्य विद्युत पारसरण निगम लिमिटेड हो, मतलब RVPNL हो, या फिर RVUNL हो, या फिर JBBNL हो, या फिर ABBNL हो, या फिर JDBBNL हो, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा, अलग अलग नहीं होंगे। पहले अलग अलग होते थे, अब क्या होंगे, इनके लिए एक ही होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये करेंगे मेरिट के हिसाब से इसका अलॉटमेंट होगा। यदि फॉर्म आपने फिल किया है तो इसमें आपको चूज करना होगा, और उसको मेरिट के हिसाब से आपको इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें क्या है, जो न्यू एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है वो, उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे वो होगा 125, जिसमें से टेक्निकल होगा 100 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस राजस्थान के जो होंगे वो राजस्थान के ही होगा, जनरल अवेयरनेस वो होगा 25 नंबर का, तो 125 हो जाएंगे टोटल मार्क्स आपके, ठीक है। मतलब इसमें रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं आनी है, ठीक है, ना ही अदर कुछ आना है। तो राजस्थान का जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल नॉलेज कितना, 25 क्वेश्चन, और टेक्निकल क्वेश्चन कितने, 100 क्वेश्चन होंगे। और टोटल टाइम होगा इसका कितना होगा, जो एग्ज़ाम का टोटल टाइम होगा ये होगा 2.5 घंटे, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं दोस्तों, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छा किया है ये। उसके बाद क्या टेक्निकल एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है इसका, जो मतलब सिलेबस कैसे हो सकता है दोस्तों, अभी उम्मीद है इसका, उम्मीद क्या है, वो SSC JEE और ESE का सिलेबस जैसे जैसे होता है उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है इसका। और जो राजस्थान का जनरल अवेयरनेस है वो कैसे सिलेबस हो सकता है, वो हो सकता है RPSC GK लेवल का सिलेबस हो सकता है, RPSC GK लेवल का सिलेबस हो सकता है। तो दोस्तों, टोटल पोस्ट क्या है इसकी, 1571, असिस्टेंट इंजीनियर कितने इसमें, इलेक्ट्रिकल के 28, सिविल की 3, कम्युनिकेशन और इसकी कितनी है 10, IT की कितनी पोस्ट है 4, और JEE की दोस्तों बहुत बहुत पोस्ट हैं, बहुत अच्छा मौका था इसमें, जिसमें से JEE की पोस्ट थी इलेक्ट्रिकल के लिए 842, और सिविल के लिए है 40, कम्युनिकेशन के लिए 73, और FNC के लिए है 16 पोस्ट। तो इसका जो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद कब तक है दोस्तों, ये उम्मीद है जुलाई अगस्त 2020 तक, और इसका जो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ये हो सकता है आपका नवंबर दिसंबर 2020 तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस तरीके की और नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं तो आपको बेल आइकन पर क्लिक करना होगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।